और इस कलीसिया के प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, परमेश्वर हमारे प्रति बहुत भला रहा है। My God is good. मेरा परमेश्वर भला है। He leads me in the paths of righteousness. मुझे धार्मिकता के मार्ग में वो लिए चलता है। He leads us beside still waters. और उस जल के, निर्मल जल के सोते के पास से हमें लेकर चलता है। Even though we walk through the valley of shadow of death. हमें हम अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराइयों से भी होकर क्यों ना जाएं? We don't fear evil. हम बुराई से नहीं डरते। Because our God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। His staff covers. उसके जो सोटा और उसकी जो लाठी है वो हमें शांति देती है। When we are surrounded by the enemies, God prepares a table for us. जब हम शत्रुओं के द्वारा घिर जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मेज तैयार करता है। And we see everything is lost, everything is in despair. The Lord says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." जब सारी बातें बिखर जाती है, टूट जाती है, परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, कहता है कि जीवन पर्यंत मेरी भलाई और करुणा तेरे साथ साथ बनी रहेगी। Dear saints of God, from the bottom of my heart, from the side of my family, we would like to give you thanks for your prayers and for your support. प्रिय संतो, आपके प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे निश्चित रूप से वो दिन याद नहीं आता कि पिछली बार मैंने कब प्रचार किया था। लेकिन एक बात तो मालूम है कि बहुत लंबे समय के बाद मुझे इस सभा को संबोधित करने का मौका मिला है। And deep down my heart, believe God has a word for all of us. और दिल की गहराई से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए उसका वचन है। And if you believe, if you trust God, surely God will speak to you. यदि आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा करते हैं, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करेगा। I have a word from the Lord, but if you are not receiving, if you are not expecting God's presence, you will not be able to receive what the Lord has for you. परमेश्वर की तरफ से मेरे पास वचन है आपके, लेकिन अगर आप ग्रहण योग्य हृदय के साथ अपने मन को खोल कर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद आप उसे चूक जाएंगे। And thank God for Dr. Matthew Thomas and his family for their prayer and their support. डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, उनके परिवार के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके सहयोग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। May the Lord bless them and use them for the expansion of God's kingdom. उन्हें पर परमेश्वर ने आशीषित करें और अपने राज्य के विस्तार के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। And also I'd like to give thanks to all the pastors here. God bless them. तमाम पासवानों का शुक्रिया करूंगा, परमेश्वर आपको आशीषित करें। And all the board members and also the believers of the church. कार्यकारिणी समिति के सदस्य, कलीसिया के तमाम विश्वासी गण। May the Lord bless all of you. परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। And my special thanks goes to Reverend Pastor Nikhil Rajgupta, who is translating my sermon. Pastor Nikhil, बहुत शुक्रिया संदेश का अनुवाद करने के लिए। Dear ones, 2019 is a year for us. और प्रियो, वर्ष 2019 हमारे सामने है। We have a lot of challenges in the bygone year. और जो वर्ष बीत चुका है, हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। And we have a new year. We have with a lot of challenges and blessings. एक नूतन वर्ष हमारे सामने है, फिर से चुनौतियां हमारे सामने हैं। And my dear brothers and sisters, if you see a challenge this new year, you must understand there is a blessing that is going to fall. और मेरे प्रियो, यदि आप इस नए वर्ष में अपने जीवन में चुनौतियों को देख रहे हैं, याद रखें नई आशीषें भी आपके लिए रखी है। There are blessings that God has kept for you and me. ऐसी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ी है। You have not come here for just for meeting. आप यहाँ पर एक आम बस सभा को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। We are not here for any other purpose. हम किसी और कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए यहाँ पर नहीं हैं। We are here to worship the Lord and have the blessings from the Lord. हम यहाँ हैं कि परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें और उसकी आराधना करें। And everyone, starting from the smallest kid to the oldest person, has
God's blessings in your life. और हर एक यहाँ जो मौजूद है, छोटे बच्चे में से बड़ा बुजुर्ग, हर एक के लिए परमेश्वर की आशीष रखी गई है. And today I would like to specially give thanks to all the young people of this church and especially the youth director because today is the third Sunday and we are enjoying youth meeting. और जबकि आज तीसरा रविवार है, हम सबको पता है आज यूथ मीटिंग है, तो जितने जवान कलीसिया में हैं और जो जवानों के डायरेक्टर हैं, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा. पास्टर फेलिक्स का भी शुक्रिया जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया. Dear ones, we have a fresh command from the Lord this year. आज की इस वर्ष में हमारे पास परमेश्वर की तरफ से तरोताजा आज्ञा है. There's a fresh command from the Lord. परमेश्वर की तरफ से तरोताजा आदेश हमारे पास है. And when I say this, we have a fresh command from the Lord. I also know, and I like to tell you, we have fresh challenges. और जब ये नया आदेश हमारे पास है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, उस नए आदेश और आज्ञा के साथ नई चुनौती भी हमारे सामने. And when I say there are fresh challenges, I know, and I like to tell you that we are going to have fresh blessings in our lives. तो जब वो ताजी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, याद रखें हमारे पास तरोताजी आशीषें भी परमेश्वर ने रखी हैं. और जो कल बीत चुके, कल में आई हुई चुनौतियाँ हो सकता है सामने आने चुनौतियों में से बहुत ही हल्की और कम रही हो. याद रखें और भी बड़ी और भी मुश्किलों से भरी चुनौतियाँ हमारे सामने रखी होगी. And great blessing that is waiting for us and God has kept for us in this year. और उसके साथ आइए हम ये भी ना भूलें कि नए वर्ष में परमेश्वर ने पहले से ज्यादा बड़ी और अद्भुत आशीषें हमारे लिए रख छोड़ी हैं. Let's turn our Bibles to the book of Joshua chapter 1 verse 3. आइए हम यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय में आ जाएं, उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे. The book of Joshua chapter 1 verse 3. यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत. मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को दे रहा हूँ. प्रभु जी तेरे धन्यवाद हो, स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए. तेरे भक्त लोग मिलकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तुझे सहायता दे. बहुत लोग आकर प्रभु जी तेरे पुराना बात किया, गीतों को गाए, भजन पढ़े, प्रार्थना की है प्रभु जी तेरे नाम को, तेरे नाम की जय जयकार की है प्रभु जी. हालेलुया, हम प्रार्थना करते तेरे वचन जबकि हमारे सामने है तू हमसे बात करता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभु जी तेरे आशीष सबके ऊपर बने रहने पाए, तेरे आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी. यदि कोई निराश अवस्था में है, दुर्बल है प्रभु जी, अशांति में है प्रभु जी, नाना प्रकार के समस्याओं में है, हमारा प्रार्थना प्रभु जी तू सबको छू दे. तेरे आशीष हर एक घर में बने रहने पाए. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तेरी आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. मिलकर बोले मैं. आमीन. बच्चे मिलकर बोले मैं. आमीन. जब बच्चे आमीन हालेलुया बोलते हैं उसमें अलग से ताकत आते हैं. हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों दोनों को बात है. प्रेज़ द लॉर्ड. बिफोर आई फॉरगेट लेट मी टेल यू दिस. इससे पहले कि मैं इस बात को भूल जाऊं, आपको बता देना चाहूंगा, माय मम्मी हैड बीन इन अ क्रिटिकल स्टेज एंड वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑल ऑफ इट. और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और तुरंत हम पता नहीं लगा पाए कि आखिर उन्हें क्या हो गया था. बट व्हेन आई वाज लिफ्टिंग हर फ्रॉम द बेड एंड मेकिंग हर टू स्टार्ट, I know that she had strength. She was falling down. और जब उन्हें बिछौने से उठा करके मैं उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में आया कि उनके शरीर में बल नहीं है. She was not able to speak.
वो उस समय बोल नहीं पा रही थी। I didn't know what. और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। We had taken her to Bhopal. हम उन्हें भोपाल लेकर गए। She was in the ICU for 6 days. और ICU में उन्हें 6 दिन तक रखा गया था। लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई भी उन्नति नहीं हुई। और जैसे ही डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और मैट्रन मैम ने जो स्कैनिंग थी उसकी रिपोर्ट को देखा, उन्हें समझ में आ गया कि इस बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता। And he told me, you can go for medication, but no care. और उन्हें कह दिया कि आप चाहो तो चिकित्सा दवाइयाँ करवा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। Church, thank you for your prayers. करेसिया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। And some of the people visited our home, we thank you for. और कुछ लोग हमारे घर भी आए, आपने परवाह की, आपका शुक्रिया। There's a fresh command, dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, एक तरोताजा आदेश आज्ञा हमारे सामने है। और फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि उस आयत को हम पढ़ दें। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइल को दे रहा हूं। माय सर्वेंट मोसेस इज डेड, मेरा दास मूसा मर चुका है। You therefore arise and go over to Jordan. So अब तू उठ, कमर बांध और यर्दन के उस पार जा। Go over Jordan and possess the land. यर्दन के उस पार जा करके तू उस भूमि को प्राप्त कर ले। Today, this morning, I would like to tell you 3 things. आज की सुबह मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। Arise. उठ खड़े हो। Arise. उठ खड़े हो। Go over Jordan. और यर्दन के पार जा। Go over Jordan. और यर्दन के उस पार जा। And possess the land. और उस भूमि को धारण कर ले। Possess the land. उस भूमि को ले ले। Dear believers in Christ. मसीह में प्रिय विश्वासियों, मैं चाहूंगा मेरे पीछे आप इस बात को दोहराएं। केवल ये बातें आप साथ में दोहराएं। उठ खड़े हो। जोर से बोलिए, हिंदी में बोलिए। उठ खड़े हो। गो ओवर जॉर्डन, यर्दन के उस पार जा। प्रोसेस द लैंड, और उस भूमि को ले ले। मजा नहीं आया, ये कौन बात कर रहे हैं? यदि आप लोगों के पास विश्वास है, प्रभु आपके लिए काम करने वाले हैं, तो मेरे जोर से बोलिए, Arise, go over Jordan, go over Jordan, possess the land, possess the land, praise God, प्रभु की स्तुति हो। The people of Israel. अब मुआब के शितू नामक स्थान में इज़राइली अपना तंबू लगाते हैं। The people of Israel had a great long journey. और इज़राइली लोग बहुत ही लंबी यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। They had seen a lot of miracles. और उन्होंने बहुत से चमत्कारों को देखा। Miracles after miracles. चमत्कारों पर चमत्कार उन्होंने देखा। But these miracles could not take them to the promised land. लेकिन ये सारे चमत्कार उन्हें वायदे के देश में लेकर नहीं जा पाए। Because the Bible says, even though they had seen the miracles, they were not able to enter the promised land because they were having a spirit of murmur. आप देख सकते हैं, बाइबल बताती है, भले उन्होंने इतने चमत्कारों को देखा, अनुभव किया, फिर भी वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले थे। This great multitude of people have encamped at Shittim now.
सितिनाई स्थान में इतनी बड़ी भीड़ तंबू लगाकर डेरा कर रही है. And while the people outside were there, God is telling to Joshua, arise. और जब इज़राइल लोग वहाँ पर थे, तभी परमेश्वर कह रहा है, यहोशू से उठ, खड़े हो. You know the place which is called Shittim has certain specialities. और ये शिक्किम नामक जो स्थान है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं. First of all, Shittim is in the land called Moab. सबसे पहले ये बात कि जो शित्ती नामक स्थान है वो मोआब नामक उस स्थान में आता है. So this Moab is a place of incestuous birth. तो आप देख सकते हैं मोआब का जो तात्पर्य है उसका अर्थ निकलता है एक ऐसा स्थान जहां जन्म लेना कभी बंद नहीं होता. Incest is a sin. और भाई बहन के बीच में शारीरिक संबंध होना एक पाप होता है. A sin which is committed between the close relatives. एक ऐसा पाप जो निकटतम रिश्तेदारों के बीच में होता है. We know the story in the book of Genesis chapter 9 verse 37. और उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय उसकी 37वीं आयत में हम देखते हैं. After Lord had reached Soar. जब सोआर के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और जब लूत सोआर तक पहुंचता है his two daughters thought of increasing the generation. और उनकी दो बेटियां ऐसे विचार रखती है आता उनके मन में कि हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे. And they had no option. And the elder one told the younger one, we will go to our father and we will have a relationship with him and we will continue our posterity. तो बड़ी बेटी छोटी बेटी से बोलती है कि हम अपने पिता के पास जाएंगे और हम उनके द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे. And the first night, the younger daughter slept with him. और पहली रात भी आप देखते हैं बड़ी बेटी अपने पिता के साथ सोती है. And the second day, the younger one slept with his father. और फिर दूसरे दिन छोटी बेटी अपने पिता के साथ सोती है. And both of them were conceived, and the younger one gave birth to a person, a child called Manah. और फिर आप देखते हैं दोनों गर्भधारण करती है और छोटी बेटी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम बड़ी बेटी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम मोआब रहता है. The word Moab means the seed of the father. और मोआब शब्द का तात्पर्य है पिता का बीज. And also this land is called a desirable land. और दूसरे तरफ आप ये भी देख सकते हैं इस भूमि को एक चाहने योग्य भूमि भी कही गई है. When we go there, it's a pleasant land. जब हम वहां जाते हैं बहुत ही मनोहर भूमि है. The posterity is being blessed. और जो जगह है वहां वो आशीषित हुई है. But there is a problem. लेकिन एक समस्या है. The problem is Moabites are the descendants of an incestuous birth. लेकिन समस्या ये है कि जो मोआबी एक पीढ़ी है जो लोग हैं वो पाप के द्वारा जो निकट संबंधियों के बीच में होता है उत्पन्न हुए हैं. The place was not a normal building. और ये स्थान की जो शुरुआत है उतनी अच्छी नहीं हुई है. और इसराइलियों के लिए ये वायदे का देश भी नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसराइलियों ने यात्रा शुरू करके उस स्थान में इसलिए नहीं पहुंचा कि वहां पर अपना डेरा लगा ले. कई बार हम मसीह जीवन में ऐसा होता है कुछ स्थानों पर पहुंचते हैं हमको लगता है कि यहीं पर प्रभु ने हमें रखने के लिए बुलाया है. कुछ जगहों को कुछ स्थानों को हम देखते हैं और हमें लगता है कि यही स्थान परमेश्वर ने हमें रहने के लिए दिया है. लेकिन जो मोआब इसराइलियों के लिए रहने का स्थान नहीं है. जो दक्षिण है वो इसराइलियों के रहने का स्थान नहीं है. क्योंकि इस स्थान की जो शुरुआत है बहुत ही बुरी रही है. ये वायदे का स्थान नहीं है. परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक उत्तम स्थान है. जब एक नए वर्ष में हम प्रवेश करते हैं, जब इस दुनिया में कुछ बातों को हम देखते हैं,
हम अपने आंखों में कुछ बात को जो मनोहर दिखाई देती है जब स्थानों को देखते हैं, जब हम कुछ हरी हरी वादियों को देखते हैं, हम संसार की कुछ अभिलाषा भरी मनोरंजक बातों को देखते हैं, आइए हम ऐसा ना सोचे कि ये स्थान हमारे लिए है। परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम स्थान है, परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर आशीष है। आप सचेत हो जाएं, इस दुनिया के अभिलाषाओं के प्रति आप सतर्क हो जाएं, समझ जाएं कि इस दुनिया की शुरुआत कैसी हुई। मेरे प्रियो, ये वो स्थान नहीं है जहां हमें ठहरना है, और जो मोआब है इसराइलियों के लिए रहने का स्थान नहीं था। तो यहोशू मोआब से उठ खड़ा होता है, क्योंकि ये भूमि तो ऐसी भूमि है जो निकट संबंधियों के बीच में पाप के द्वारा शुरू हुई है, और इस पर भूमि के बुनियाद में पाप गड़ा हुआ है। जब कुछ स्थानों में आप जाते हैं और पाप को देखते हैं, आप वहां से उठ खड़े हो जाएं। जब कुछ रिश्तों को आप देखते हैं जहां पाप की संभावना है, आप वहां से आगे चले जाएं। Moab is not the place for Israel. और मोआब जो स्थान है इसराइलियों के रहने के लिए नहीं है। Moab is not the place for us, my brothers and sisters. और मोआब मेरे प्रियो, आपके और मेरे रहने के लिए स्थान नहीं है। God has a better plan for us. परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है। Secondly, दूसरी बात, this place, Shittim, is natural. ये जो दक्षिण जो स्थान है वो प्राकृतिक है, और जो दक्षिण है वो प्राकृतिक है। और जो शित्तिम है, यदि उस शब्द को आप देखें, उसे अकेशिया भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, जब आप लय व्यवस्था को पढ़ेंगे और आप निर्गमन को पढ़ेंगे, आप गिनती भी पढ़ेंगे, वहां पर जो परमेश्वर के वाचा का संदूक था वो बबूल की लकड़ी से बनाया गया था। And they were carrying the Ark of Covenant while they moved from one place to another. और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करते, उस वाचा के संदूक को वो लेकर जाते थे। और जब वे अपने कंधों पर उस वाचा के संदूक को लेकर आगे जाते, परमेश्वर की उपस्थिति को वो लेकर चलते थे। आप देख सकते हैं, भले ही उस वाचा के संदूक का निर्माण मुख्यतः बबूल की लकड़ी से किया गया था, लेकिन जो परमेश्वर का जो 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 बात या संदूक जो था अपने आप में, वो सोने का था। It was covered by gold. वो सोने के द्वारा मढ़ा गया था। When we study the interpretation of the scriptures, और जब हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या करते हैं, When we study the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, we understand this wood talks about the humanity. और ये जो लकड़ी है वो मनुष्यों के बारे में बताती है, मानवता के बारे में बताती है, talks about the nature. यह प्रकृति के बारे में बताती है। But when we see the covering, which is all over the gold, we understand that God's presence was there. और जब सोना उस पर मढ़ा गया है, उस पर चढ़ाया गया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पर प्रतीत होती है। और जो सोना है परमेश्वर के दैवित्व के बारे में बताता है। वहां पर वाचा था। जब वे वहां पहुंचे, बहुत ही अच्छा स्थान था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं, जो वाचा का संदूक था और शित्तिम की जो तमाम दूसरी लकड़ियां, बबुल की लकड़ियां हैं, उसमें वो अच्छे से मिल गया था। लेकिन यहोशू इस बात को समझ गया, इसराइल के लोग इस बात को समझ गए कि ये जो बबूल की लकड़ी से परमेश्वर के लिए जो वाचा का संदूक बना है, ये एक इस स्थान में नहीं रहना चाहिए, इसे आगे लेकर जाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में हैं। हमारे पास एक बाहरी स्वभाव है, एक प्रकृति है,
हमारा एक आंतरिक स्वभाव है। और उस लकड़ी की वजह से, बबूल की लकड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस शितिम नामक स्थान में खड़े रहे। जबकि हम देह में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस स्थान में अपना डेरा डंडा डाल लें। जबकि हमारे पास मानवीय स्वभाव है, इसका मतलब ये नहीं कि इस मानव रूपी संसार में सदैव हम बने रहें। एक ऐसा समय आने वाला है जब इस दुनिया से हम अलग हो जाएंगे। और दूसरे कुंडली की पत्री 5, 6-8 में यूं लिखा है, हम हमेशा हिम्मत बांधे रहते हैं। और जब हम देह में, इस शरीर में, इस दुनिया में रहते हैं, हम परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं। जब हम अपने देह में होते हैं, संसार में, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। लेकिन इस पर पौलुस की एक बड़ी दिली इच्छा थी, उनके पास एक बहुत दिली तमन्ना थी कि हम इस देह को छोड़कर, संसार को छोड़कर, कूच करके चले जाएं और अपने प्रिय प्रभु के साथ रहें। प्रतिदिन जब इस दुनिया में हम रहते हैं, हर एक घड़ी जब इस हम विचार करते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए, ये जो देह है कुछ ऐसी बात का बात जो रहा है जो देह से संबंधित नहीं है, कुछ ऐसी बात है जो इस देह से दूर है, जो नाशक नहीं है, कुछ ऐसी जो नाशवान नहीं है। दूसरे ग्रंथ की पत्री 16, भले हमारा बाहरी मनुष्यत्व मिटता जा रहा है, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। अब यही जो है परमेश्वर के स्वभाव के साथ वो तुलना करके बताता है, हम एक नया और बेहतर स्थान का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें इस सांसारिक दृष्टि को, परिवेश से उठ करके आत्मिक दृष्टिकोण करना है। जब इस दुनिया की बातों को हम देखते हैं, इस संसार में ऐसी ताकतें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ रोक कर रखना चाहती है। इस प्रकार से धरती गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सब कुछ अपनी ओर खींचती है। इस संसार की बातें हमें संसार के केंद्र में लेकर लाना चाहती है। विराज में प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारे पास एक बेहतर स्थान है, हमें उस शितिम से उठ खड़े होना है, हमें इस शारीरिक बातों से, स्वभावों से ऊपर उठना है, हमें इस पापमय स्वभाव से बाहर निकलना है, हमें सांसारिक बातों से बाहर निकलना है, हमें आत्मिक बातों की ओर आगे बढ़ना है, हमें दैवी बातों में और वो बातें जो ऊपर की है हमें अपने ध्यान को लगाना है। इस संसार की बातें हमें पीछे खींचे और वो आप हमारे लिए स्थान नहीं है, हमारे लिए दिव्य स्थान नहीं, क्योंकि वो पापमय रीति से जन्म हुए स्थान को दर्शाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्थान है। हमारे पास एक कनान है, एक ऐसा कनान जहाँ पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और हम उसकी बाट जो रहे हैं। पौलुस इस रीति से बताता है, और सारी जो धरती है एक जन्म देने वाले उस माता के दर्द से करा रही है। हमारे पास एक उत्तम स्थान है। This is the command of God to Joshua to rise from the place where he is. परमेश्वर की आज्ञा यहोशू के पास पहुंचने की, उठ खड़े हो और आगे जा। When we study about this particular place in Moab, the third thing is this. और तीसरी बात, जब विशेष तौर पे हम इस मोआब के विषय में पढ़ते हैं, Moab is not only the place of Princess Jezebel. और मोआब ना केवल
पापमय रीति के रीति से जन्म हुए एक स्थान को दर्शाता है और जहां पर केवल मानवीय या पापमय स्वभाव को केवल देखते हैं वो स्थान मात्र नहीं है लेकिन ये आचरण को भी दर्शाता है और घृणा को द्वेष को भी दर्शाता है और ये द्वेष का एक स्थान है और जब इज़राइल लोगों ने मोआब के लोगों को देखा उन्होंने बड़े द्वेष और ईर्ष्या के साथ मोआब को देखा और इसका जो गवाह स्वयं परमेश्वर बनता है भजन 60 उसके एक में और भजन 108 उसके 9 में भजन 60 उसका 8 108 उसका 9 और भजनकार दाऊद उसमें ये गाता है गिलाद मेरा है मनश्शे भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप यहूदा मेरा राजदंड है भजन 60 का 7वां है और यहूदा मेरा राजदंड है स्वयं परमेश्वर कहता है कि गिला मेरा है मनुष्य भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप है और यहूदा मेरा राजदंड है लेकिन मोआब मेरे धोने का पात्र है और एदोम पर मैं अपना जूता फेंकूंगा और जो मोआब है मेरे धोने का पात्र है एक ऐसा प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा है जिसके द्वारा द्वेष और ईर्ष्या को प्रकट किया जा रहा है और धोने का जो पात्र है वो अच्छे काम के लिए परंतु बहुत ही निम्न स्तर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप देख सकते हैं परमेश्वर के साथ इज़राइली लोग भी मोआबियों के प्रति बड़ी घृणा से देखते हैं और परमेश्वर स्वयं कहता है कि अब एदोम वो है जिस पर मैं अपना जूता फेंकूंगा और फिर और ये बिल्कुल वैसा ही है एदोम मानो उस गुलाम के समान है जिस पर जिस राजा ने जय पाया है उस पर अपने जूते को फेंक दिया है उसकी बेइज्जती की है और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि ये वो स्थान नहीं है जहां तुम्हें रुकना है तो मुठ करके आगे बढ़ो ये एक घृणा का स्थान है ये ठट्ठा मस्करी करने का स्थान है कुछ लोग तो यहाँ रहना चाहेंगे लेकिन तू अपने लोगों को लेकर यहाँ से उठ खड़े हो और आगे जा जो स्थान मैंने तुझे दिया है धारण कर ले और कई बार परमेश्वर हमसे कहता है उठो आगे बढ़ो लेकिन हम उस घृणित स्थान में रहना चाहते हैं और जब आत्मिक बातें हमारे लिए आगे रखी होती हैं प्राकृतिक शारीरिक बातों में रहना चाहते हैं और जब पाप के विषय में प्रचार होता है हम उसे छोड़ करके इस संसार के पापों में रहना चाहते हैं
आप धोने का पात्र बनना चाहते हैं या आराधना के स्थान में होना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है गिलाद मेरा है, मनुष्य मेरा है, एप्रेम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। तुम इस स्थान से खड़े हो, तुम्हें यरदन को पार करना है। आपको यरीहो के उस पश्चिम क्षेत्र में जाना है, वहां पर जहां पर पूर्व के स्थान में जहां पर वो मेरा गिलाद रखा है, क्योंकि वो मेरा है। आज जिस स्थान पे हम हैं, हमें वहां से खड़े होना है। यदि आप मोआब के स्थान में हैं, इस नए वर्ष में परमेश्वर वचन कहता है उठ खड़े हो। ना केवल ये स्थान घृणा का, द्वेष का स्थान, अंततः ये जो स्थान है वो निराशा और बड़ी ही भ्रम उत्पन्न करने वाला स्थान है। जब आप व्यवस्था विवरण 34 के 8 को पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा है 8वीं आयत में 34 के, और इज़राइली मोआब और अराबा और मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। और 32वें अध्याय में परमेश्वर ने पहले ही मूसा की मृत्यु के बारे में जता दिया था। नबो की उस पर्वत की चोटी पर और पिस्किया की पर्वत की चोटी पर तू खड़े होकर के वाचा के देश को देख कि तू वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब लोगों ने देखा कि मूसा मर रहा है, वे समझ गए कि ये एक बड़े युग का अंत है, क्योंकि एक अगुआ मर रहा है, मूसा मर रहा है। और इसराइलियों के लिए ये बड़ी निराशा और उदासी का समय बन चुका है, उनकी आशा जा रही है। 34:10-11 में देखते हैं वो विलाप के गीत को गाते हैं, वो इस रीति से कहते हैं, और मूसा के तुल्य इज़राइल में कोई भी नबी नहीं उठा जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। और उसके सामने अद्भुत काम करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला अब तक कोई नहीं भेजा गया। और जब लोग मायूसी में थे, जब वो बहुत ही ज्यादा विलाप और आंसुओं को बहा रहे थे, वो 30 दिनों तक मूसा के लिए विलाप कर रहे थे, और 30वें दिन के अंत में कहता है परमेश्वर मूसा, यहोशू से उठ खड़े हो। ये मायूसी का स्थान है, ये कहना चाहिए कि बड़े भ्रम उत्पन्न करने वाला स्थान है। मैं ये भ्रम या असमंजसता का स्थान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किसी को पता नहीं मूसा कहां है, लेकिन केवल परमेश्वर को मालूम है। और देख सकते हैं यहूदा की पुस्तक में आप देख पाते हैं प्राचीनों के बीच में वहां पर संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है कि मूसा का देह कहाँ है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि यदि लोगों को मालूम चल जाता कि मूसा का देह कहाँ गाड़ा गया है, वे तो वहां पर एक प्रतिमा खड़ी कर देते। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कहता है यहोशू से उठ खड़े हो। आप देख सकते हैं अमालेकियों के विरुद्ध में जो युद्ध हुआ, तब यहोशू उनका सूबेदार था। आप देखते सिने की पर्वत पर जब वो मूसा ऊपर गया उस आज्ञा की पटिकाओं को लेने के लिए, और वह भी उन 12 में से एक था यहोशू, जो उस भूमि को देख करके आए। लेकिन मूसा की मृत्यु होने के पहले परमेश्वर के आदेश के निमित्त उसने अपने हाथों को रख करके यहोशू का अभिषेक किया कि वो आगामी समय में इज़राइल का अगुआ बनेगा। God says you're not supposed to stay there, sit
लेकिन जब वो अगुआ बन चुका तो उसे परमेश्वर ने कहा कि शितिम की आशीषों को पाने के लिए तू इस स्थान में नहीं रहेगा, लेकिन उठकर तू आगे जाएगा और शितिम तुम्हारे रहने का अंततः स्थान नहीं है। यहोशू उठकर आगे खड़े हो जा, आगे बढ़ के उस देश को तुम्हें प्राप्त करना है। आप देख सकते हैं उस यर्दन को पार करने के बाद से लेकर के उस भूमि तक पहुंचकर वहां रहने तक के लिए अभी यहोशू को 25 वर्ष और जीवित रहना है। वो कुल मिलाकर 110 वर्ष जीवित था। अब तक आप देखिए उसका जीवन बहुत ही निम्न और बहुत ही मध्यम गति से चल रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अब तक उसकी जिंदगी बहुत ही मध्यम गति से चल रही थी, लेकिन उसने उसे मध्यम या धीमी गति नहीं समझा। उसने ये भी नहीं सोचा कि बहुत ही लंबी यात्रा थी, क्योंकि वो मूसा के छत्र छाया तले था। जो कुछ मूसा ने किया, कहा, उसने किया, अब वो खुद अगुए के पद में आ गया है। वो मूसा के द्वारा किए हुए अभिषेक के द्वारा आगे बढ़ रहा है। वो मूसा के नेतृत्वपन की सेवा के अंदर है। और आज आपको और हमें खड़ा होना है और उस वायदे को धारण करना है जो प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रिय संतों, आज की सुबह आपके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती है। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, परमेश्वर कहता है उठ खड़े हो, जिस स्थान में आप हैं वहां से उठ खड़े हो। यदि आप भयभीत है एलिया के समान, उठ करके आप करीत नामक स्थान में चले जाएं, उस सराफात नामक स्थान में चले जाएं। परमेश्वर के द्वारा आपके लिए प्रबंधन किया गया है, आपके लिए वहां पर विधवा और वो पुरुष रखा गया है, उसके द्वारा, कौए के द्वारा, स्त्री के द्वारा आपको तृप्त किया जाएगा। और आप उस सुंदर वर्ष में उस लंगड़े व्यक्ति के समान, यदि आप दुखित हैं, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, उठ खड़े हो और कूदने लगो, उठ खड़े हो और ये उठने का समय है। यदि आपका जीवन बिल्कुल वैसे ही उस व्यक्ति के समान है जो 38 वर्षों से बीमार वहां उस कुंड के बाजू में बैठा था, आपको उठना पड़ेगा और अपना बिछौना लेकर चलना पड़ेगा। सर्दिस की कलीसिया, सर्दिस की कलीसिया, आपका नाम ऐसा है जो दिखाई देता है जीवित है, लेकिन आप मर चुके हो। तुम्हारा नाम तो जीवित प्रतीत होता है, लेकिन तुम मर चुके हो। उठ खड़े हो सर्दिस, और उठ खड़े हो कलीसिया, और मृत्यु की घड़ी में जो बातें जरूरी है उसे पूरा करो। और मेरे परमेश्वर की निगाहों में तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं ठहरा है। परमेश्वर एलिया से कहता है खाओ, 40 दिन की यात्रा तुम्हें करनी है। परमेश्वर कहता है यहोशू उठ खड़े हो, 25 वर्ष की यात्रा तुम्हारी, तुम्हें वहां जाकर के उस भूमि को ले लेना है। भाई और बहनों, आज जब आज की सुबह परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, यदि आप जहां पर हैं वहां पर आप सो रहे हैं, आप आत्मिक रूप से नीचे गिरे हुए, यदि आपको पता नहीं कि आपके जीवन
जीवन में क्या चल रहा है। Your life is just like this, like the church of Sardis. आपका जीवन मानो उस सर्दिस की कलीसिया के समान हो गया। You have to rise to the place where you are. जिस घड़ी पर आप हैं, जहां पर आप गिरे हैं, वहीं आपको खड़े होना। Because Isaiah 61:2 says. क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक 60 उसके 1 और 2 में लिखा है। Rise and shine your light as someone. और प्रकाशमान हो, तेरी प्रकाश आया है और परमेश्वर के लिए तू महिमामय हो जा। Praise Lord, Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति। हो सकता है घर में आप अकेले आपको महसूस होता। हो सकता है आपको लगे आपके प्रिय ने आपको छोड़ दिया है। And the leadership is in your hands. और जो नेतृत्वपन और जो अगुवेपन की सेवा है वो आपके हाथों में है। And the Lord says, प्रभु कहता है, Don't be in that place. और उस स्थान में तुम बने रहो, खड़े हो जाओ, and go. आगे जाओ, and most of the land. उस भूमि को धारण कर, go over Jordan. यर्दन के उस पार जाओ। Today the church needs to rise. और आज कलीसिया को उठ खड़े होने की जरूरत है। Many times we see this situation and we stay there. बहुत बार हम परिस्थितियों को देखते हैं और वहीं बने रहते हैं। We forget about the promise. हम परमेश्वर के वायदों के बारे में भूल जाते हैं। We stay there. हम वहीं रुक जाते हैं। The Lord says we have to rise. प्रभु का वचन कहता है हम। The second thing, God says to Joshua to close the Jordan. और दूसरी बात परमेश्वर मूसा से कहता है कि तो close the Jordan river is a tougher challenge for Moses in the land. और यहोशू के लिए भूमि को लेने के पहले का जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है यर्दन को पार करना। और वायदे के देश में प्रवेश करने से पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है यर्दन को पार करना। आखिर क्यों? सबसे पहली बात, before crossing the Jordan, because the crossing the Jordan is a mandate. क्योंकि यर्दन उन्हें पार करना है, अपने सारे प्रबंधन की व्यवस्था की वस्तुओं को उन्हें सुरक्षित करना पड़ेगा। They have to secure their provisions. अपने प्रबंधन या अपने जरूरत की चीजों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। Because chapter 1 verse 11 to 10 says. क्योंकि पहले अध्याय के 10वीं आयत में लिखा है। Then Joshua commanded the officers of the people pass through the camp and command the people to prepare their provisions. Within 3 days you are to pass over this Jordan to go to take the possession of the land which the Lord your पहले अध्याय 10:11 में लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में जाकर सब प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन वस्तु तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुम इस यर्दन को पार करके उस देश को जो अपने अधिकार में लेना है तुम जाओगे, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए अधिकार देने के लिए रखा है। अब यर्दन को पार करना कोई विनती या याचना नहीं है। It's not a suggestion. ये कोई सलाह नहीं है। It is a command. ये एक आदेश है। To enter into the promised land, they had to obey the commands of Joshua. तो उस वायदे के देश में यदि जाना है, उसे धारण करना है, लोगों को यहोशू की आज्ञा माननी पड़ेगी। In the command he says, prepare your आज्ञा में वो कहता है कि अपने लिए जरूरत की चीजों को तैयार कर लो। 3 दिन के अंदर यर्दन पार करना है तुम्हें। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय के मुताबिक लोग भोजन के लिए रोए और परमेश्वर ने मरुभूमि में स्वर्ग से मन्ना गिराया। और उसी अध्याय के 36वीं आयत बाइबल बताती है 40 वर्ष तक उन्होंने मन्ना का आनंद उठाया। लेकिन यहोशू नबी की यहोशू की पुस्तक 5:12 में जब हम आते हैं, मन्ना स्टॉप्ड व्हेन दे एनकाउंटर्ड गिलगा ईस्ट बॉर्डर ऑफ जेरिको। जैसे ही वो जेरिहो के पूर्वी स्थान में पहुंचते हैं जो वहां की सीमा थी, वैसे पहुंचते ही मन्ना बंद हो जाता है गिरना। when they obey the commandment of God and cross the Jordan, they began to enjoy God's blessings from the land. और
जैसे परमेश्वर की आज्ञा मान के उन्होंने यर्दन पार करके वायदे के देश में हो गए, उस भूमि की उपज का वो आनंद उठाने लगे। और पांचवें अध्याय पहले बताती है उस भूमि की उपज को उन्होंने खाया और संतृप्त, क्योंकि अब तक उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ बोया ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके लिए प्रतिदिन प्रबंधन कर रहा था। लेकिन जिस घड़ी उन्होंने वायदे के देश में प्रवेश किया, कनान की भूमि की उपज उन्होंने खाई। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की तरफ से प्रबंधन का पूरा फायदा उठा पाएंगे। यीशु कहता है तीन दिनों के अंदर अपने तैयारी कर लो, तीन दिनों के अंदर, तीन दिनों के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो, और परमेश्वर तुम्हारे लिए उसके बाद सारी भोजन वस्तु का प्रबंधन कर देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रिय संतों, जब परमेश्वर के आदेश को मानते हैं, आप परमेश्वर के प्रबंधन को देख पाएंगे। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि कैसे परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलता है। मोआब आपके रहने का स्थान है। आपको यर्दन को पार करना है, क्योंकि ये एक आदेश है। न केवल अपने लिए भोजन वस्तु का प्रबंधन होने का, लेकिन आप उन्हें अपने आप को शुद्ध और पवित्र भी करना है, क्योंकि यर्दन को पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। Crossing Jordan is a miracle. और यर्दन को पार करना एक चमत्कार है। It's not a natural thing. ये कोई आम तौर पे होने वाली प्राकृतिक घटना नहीं है। It's not a normal thing. ये कोई आम बात नहीं है। Crossing Jordan can be or could be done only by God's power. यर्दन को पार करना केवल परमेश्वर के द्वारा और चमत्कार द्वारा ही हो सकता है। उस भूमि को प्राप्त करने की पहली चुनौतियां जो है वो केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हटाई जा सकती है। यदि परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखना है, विश्वासी होने के नाते हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। और बाइबल बताती है, यहोशू ने लोगों से कहा कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो, क्योंकि कल तुम परमेश्वर के बड़े काम को देखने वाले हो। अब हो सकता है सभा में लोग पूछें कि ये शुद्धिकरण की जरूरत क्यों थी। पहले थिस्लोनी की पत्री 4:3 में बाइबल बताती है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। और शुद्धि करना अपने आप को परमेश्वर की इच्छा है। अब विश्वासी होने के नाते हम चमत्कार इसलिए देख पाते क्योंकि हम अपने आप को पवित्र नहीं करते। यर्दन को पार करना एक चमत्कार है, इसलिए आप अपने आप को शुद्ध कर लें। ये चमत्कार है क्योंकि जो वहां की ऋतु है उसमें बहुत जोर देकर उस बात को बताया गया। क्योंकि 3:15 में बाइबल इस रीति से बताती है, और कटनी के समय में लगातार वो जो यर्दन की नदी है बहुत ही ऊपर तक बहती है, क्योंकि यह कटनी के लिए रखे गए विशेष दिनों में से एक है। और जिस घड़ी वो गिलगाल में पहुंचते हैं, उसी वर्ष, उसी महीने, उसी दिन परमेश्वर का प्रबंधन उन तक पहुंचता है। और यर्दन को पार करना एक चमत्कार है। Coming in our lives just like torrents, big waters.
और बड़ी बड़ी पानी के समान, जब आंधियों के समान वो बातें हमारे जीवन में आती है। बाइबल कहता है जब तुम मृत्यु की तराइयों में से होकर के जाओ, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय बाइबल कहता है तुम पानी से होकर के जाओगे, वो तुम्हें डुबा नहीं पाएगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यर्दन को पार करना एक ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिन्होंने अपने आप को पवित्र और शुद्ध किया था। एक विशेष दल के लोग थे जो परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर जा रहे थे। ये याजक थे जो उस वाचा के संदूक को लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही इन याजकों ने वाचा के संदूक को जो अपने कंधे पर रखा था पानी में उतरे और वो नदी दो भाग में बट गई और दोनों तरफ दीवाल बन गई पानी की। बहुत ही दिलचस्प बात तो ये सरतान नामक जो स्थान है बिल्कुल उसी स्थान में जहां पर वो आता है पानी दीवाल के समान वहां और बिल्कुल आपका 16 मील जो दूर था, 30 मील जो दूर वो स्थान था, जैसे परमेश्वर के दासों ने वहां पर पानी में अपने पांव को रखा वहां पर दो भाग में वो नदी बट गई। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में बड़ी समस्या, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप विश्वास के द्वारा पानी में उतरोगे, बाइबल बताती है परमेश्वर उन संकटों के बीच में आपके साथ है। जब परमेश्वर के लोग वहां पर है, और मीलों दूर से परमेश्वर आपकी समस्याओं को रोक देगा। आप वहां परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। भजन 91 में बाइबल बताती है कोई भी बुराई तेरे पास नहीं आएगी और कोई भी सताने वाली वस्तु तेरे तंबू के निकट नहीं आएगी। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, अब ये याजक कहां गए? अब कई बार सभा के लोग पूछते हैं कि पासवान कहां है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके सामने है। क्योंकि तीसरे अध्याय की चौथी आयत के मुताबिक आप नहीं जानते ये रास्ता कैसा है और कैसे पार करना। So they must be in the front. तो जो याजक है, जो पासवान है, आपके सामने रहते हैं। Because you do not know the way. क्योंकि आपको मार्ग के विषय में पता नहीं And they are guiding you. और वो आपकी अगुवाई करते हैं। Where are the pastors? पास्टर्स कहाँ है? Where are the priests? याजक कहाँ है? According to 3:15. तीसरे अध्याय के 15 आयत के मुताबिक They are at the waters of Jordan. वो यर्दन के उस पानी में है। They carry out of the current. वो परमेश्वर के उस वाचा के संदूक को लेकर चले। They place their feet over the water. वो पानी में अपने पैर को डाल कर रखे हैं। So that the waters should be divided. कि वो पानी बट जाए। So that all the nation may pass through the dry land. कि पूरी प्रजा सूखी भूमि से होकर जाए। Now you may ask third time there are the priests and the pastors. Third time you may ask the same question. तीसरी बार आप फिर से हो सकता है वही प्रश्न पूछें, कहाँ हैं पासवान और याजक? सत्रह आयत में लिखा है वो यर्दन के बीच में हैं। The leaders of congregation are the middle of the Jordan. जो कलीसिया के अगुए हैं यर्दन के बीच में हैं। They are the middle of the problem. वो समस्याओं के बीच में हैं। There's a big water. एक बहुत ही बड़ा पानी है। They are the middle of the problem. और समस्या के वो बीच में हैं। And you see only the dry land. आप तो केवल सूखी भूमि को देख रहे हैं। और आपके पैरों ने पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया है। कलीसिया, आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। जब आपके सामने अगुए हैं, जो वाचा के संदूक को लेकर जाते हैं, आपको किसी बात के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। आप प्रभु की आज्ञा को माने,
आप केवल अगुओं का अनुकरण करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सामने आपके समक्ष रखा है। 17 आयत में लिखा है, जब तक पूरी प्रजा उस पानी से होकर उस पार नहीं चली गई, याजक वहीं खड़े रहे। Not only they have sanctified themselves. न केवल उन्होंने अपने आप को पवित्र किया। Now there is one more thing. एक और बात है। The church needs a second time of sanctification. दूसरा ताम, दूसरी बार शुद्ध करने का समय आता है। I'm not going to bring confusing theological idea. और बहुत ही असमंजसता में डालने वाले धर्म वैज्ञानिक विचारों को आपके बीच में लेकर नहीं आऊंगा। But I'd like to tell you from the same passage. उसी परिच्छेद से ये बात कहना चाहूंगा। Chapter 5 verse 2 to 7. 5 के 2 से 7 तक। Even in the congregation, Joshua made new flints to make a circumcision. आप देख सकते हैं, खतना करने के लिए उस जमायत के बीच में एक नए स्थान को यहोशू ने तैयार किया और दूसरी बार पवित्र करने के लिए उन्हें वहां पर आना पड़ा, क्योंकि खतना रहित जो लोग थे इसराइलियों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। 5वें अध्याय के 6वीं आयत में, 5:6, क्योंकि इसराइल तो 40 वर्ष तक जंगल में बैठे रहे, जब तक वो सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी। Who does not hearken to the voice of God? जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं सुनी थी। There were people among the congregation, even they saw the miracle. They didn't hear or hearken to the voice of the Lord. Those people needed a second time in their life. जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी, चमत्कारों को देखा, तो पर भी उसकी आज्ञा नहीं मानी, उनको दूसरे बार अपने आप को पवित्र करने की जरूरत पड़ी। Of course, खतना करने की कुछ लोगों को एक बार तो किया जा चुका था, लेकिन दूसरी बार यहोशू ने बोला ताकि उनके व्यक्ति विशेष लोगों को बताया जाए। न केवल अपने आप को उन्होंने शुद्ध और पवित्र किया, set up stones because crossing Jordan is a memorial. यहाँ पत्थरों का एक ऐसा टीला बना दो, क्योंकि इस यर्दन को हमने जो पार किया है, ये एक यादगार स्थान बन जाने पाए। Set up stones because crossing Jordan is a memorial. और हमारे लिए एक अच्छे स्मरण के लिए यहाँ पर तुम इस पत्थरों का एक टीला बना दो। Crossing Jordan is a mandate. यर्दन को पार करना एक आदेश है। यर्दन को पार करना एक चमत्कार है। यर्दन को पार करना याद रखने वाली बात है। 4:1-10 तक। और हर एक गोत्र से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि एक एक व्यक्ति को ले लो। उन्हें आदेश दो कि 12 पत्थर वो उठा ले। And specifically God told. और बड़े विशिष्ट रूप से परमेश्वर ने stones from nowhere, but from the very place where the priest was standing. और कहीं और से पत्थर मत लेना, लेकिन उसी स्थान से जहां पर याजक खड़े हुए थे। If the Red Sea stands for or stood for baptism according to 1 Corinthians 10. पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय के मुताबिक यदि लाल समुद्र बपतिस्मा का स्थान बनता है, Jordan stands for a testimony. तो यर्दन एक गवाही का स्थान बन जाता है। यर्दन जयवंत मसीह जीवन का एक प्रतीक बन जाता है और एक यादगार स्थान यर्दन बन जाता है। और दूसरी बात, यर्दन आत्मिक उन्नति परिपक्वता का स्थान बन जाता है। और जैसे आज का दिन जवानों की सभा का दिन है, प्रिय पालकों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, Set up stones for your generation. अपनी पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए आप उस पत्थर का एक प्रतिमा, यहाँ पर एक टीला आप बना दें। You know, after crossing the Jordan, we can never read or we don't read that they have murmured there. आप देखिए, यर्दन पार करने के बाद आप कहीं भी नहीं पढ़ते
कि वो दोबारा इन लोगों ने कुड़कुड़ाया या परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया, क्योंकि अब वो वायदे के देश में प्रवेश कर चुके हैं। हम वहाँ पर एक आत्मिक परिपक्वता को देखते हैं। आज हमारे सामने हमारी पीढ़ी है। हमने लाल समुद्र को पार कर दिया है, यर्दन नदी को हमने पार कर दिया है। हमने लाल समुद्र भी पार कर दिया है, बपतिस्मे का अनुभव हमने ले लिया है। पवित्र जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है, जिसे हम शुद्धिकरण कहते हैं। In this walk of sanctification, we are going on to maturity. इस शुद्धिकरण के मार्ग से चल करके हम परिपक्वता के उस स्थान में पहुंच रहे हैं। And this maturity should be shown to our generation. और ये एक ऐसी परिपक्वता है जो हमारी पीढ़ी के लिए हमें छोड़कर जानी है। Because God says to them, when your children ask them, what is it you have to tell of these things to your children? और क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे बच्चे पूछे कि क्या हुआ अतीत में, ये बातें तुम्हें उन्हें बताना है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। इस दिन में भाइयों और बहनों, ये बात क्या आइए हम इस स्थान से उठ खड़े हो। आइए हम यर्दन को पार कर ले, आइए उस भूमि को हम धारण कर ले इस नवीन वर्ष में। Let's take a new decision. आइए हम एक नवीन एक निर्णय हम ले लें। Possessing the land is also very important. भूमि को धारण करना हमारे लिए भली बात है। It's not just possessing the land. समय समाप्त हो गया। Possessing the land has two things. और उस भूमि को धारण करने के पीछे दो बातें हैं। One is to conquer. एक जय प्राप्त करना। For to conquer, men of war is necessary. और जय प्राप्त करने के लिए योद्धाओं की जरूरत होती है। But he also told your wives, your little ones, your cattle should remain in the land. But the people of men of war shall go and attack. तुम्हारे बच्चे, जीव जंतु और जो पशु और जो स्त्रियां हैं, वो भूमि पर बनी रहेगी, लेकिन जो योद्धा हैं, पुरुष हैं, वो जाएंगे लड़ने के लिए। According to chapter 55. पांचवे अध्याय के मुताबिक। In possessing the land, in the conquering, the commander of the army of the Lord came with a drawn sword. आप देख सकते हैं वहां पर जो सेना का सूबेदार था, परमेश्वर की सेना का, वो अपने तलवार को निकाल कर वहां पर आता है। In possessing the land, in conquering, not only the army, not only the commander from the Lord's side, but also the priests are also involved. तो आप देख सकते हैं जय पाने के लिए, विजेता बनने के लिए, उस दुश्मनों पर जय पाने के लिए केवल सूबेदार परमेश्वर की सेना का सामने नहीं आता, परंतु याजक भी वहां पहुंचते हैं। They blew the trumpet. उन्होंने तुरही को फूका। They gave the direction. उन्होंने दिशा बताई। So that is the first side of possessing the land. वही भूमि को प्राप्त करने का पहला। अब भूमि पर जय जो पाना है, शत्रुओं पर आक्रमण करना है। और उस भूमि को प्राप्त करने का जो दूसरा पहलू है, अब उस भूमि को जो धारण कर लिया है, उसे विभाजित करना है। और 13 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक हर एक जो जाति है उसे अपना जमीन, जो हिस्से का है, उन्हें मिल गया। Joshua divided the land for every tribe. हर एक गोत्र के लिए यहोशू ने भूमि का विभाजन कर दिया। But the tribe of Levi did not receive any portion. लेकिन लेवियों को कोई भी भूमि का भाग प्राप्त नहीं हुआ। And God said to them, chapter 13:14, the offerings were their inheritance. कि जो दान, वरदान जो मिलते हैं, वो उनका भाग होगा। वरदान, दान। दान उनका भाग the offerings were their inheritance. और जो दान मिलेगा वो उनका भाग होगा। 33 says, God is their inheritance. 33 आयत में लिखा है कि परमेश्वर उनका भाग होगा। Chapter 18 verse 7 says, the priest of the Lord is their heritage. 18 के साथ में लिखा है कि परमेश्वर का दिया हुआ भाग याजकों का भाग होगा। Very interesting. We'll read and we'll finish. Joshua 9:49. यहोशू 19 उसका 49। जब देश का बांटा गया, सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इसराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। हालेलुया।
हालेलुया। कलीसिया जोश से बोले हालेलुया। योशुआ डिवाइडेड द लैंड फॉर एवरी ट्राइब। हर एक गोत्र के लिए यहोशू ने भूमि का विभाजन किया। नाउ इट इज द टाइम फॉर द कॉन्ग्रीगेशन टू डिसाइड फॉर योशुआ। और अब सभा के लिए वो समय हुआ कि अब वो यहोशू के लिए निर्धारित करें। नाउ लेट योशुआ गो एंड गो समवेयर डाई समवेयर जस्ट लाइक मोसेस। नो द कॉन्ग्रीगेशन डिसाइडेड वी विल गिव समथिंग टू द लीडर। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया अब यहोशू तू कहीं जाके निकल ले तू मर जा, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने और हम इस कार्यकारी समिति है पास्टर के कल्याण के लिए कई बातें करते हैं। क्या हमने अपनी कलीसिया में पासवानों की बेहतरी के लिए कल्याण के लिए कुछ निर्धारण किया है, कुछ बातें की है? हम अधिवेशन के बारे में बातें करते हैं, हम कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज कलीसिया को इस बात का निर्णय लेना है हमारे पासवानों का क्या। ये आज का जो दिन निर्णय लेने का दिन है वर्ष 2019। आपको पता है हम क्या खाते हैं, अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? We have to think. हमें सोचना है। The people decided to be a portion in the land. वहाँ वहाँ लिखा है कि लोगों ने निर्णय लिया कि हम याजकों को पासवानों को हम क्या दें। इतने वर्ष तक यहोशू हमारे लड़ता रहा। They walked in front. वो हमारे आगे चलता रहा। और समुद्र के बीच में चलता रहा। और उस नदी के बीच में वो चला गया। उनके बारे में क्या? सभा ने, लोगों ने उनके लिए निर्धारित। हम अपने अगुओं को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर के वाचन के संदूक को ढोने वाले नहीं है। उन्हें खाना भी पड़ता है, उन्हें दुनिया में रहना भी पड़ता है, उन्हें कुछ भाग की जरूरत है। कलीसिया को इस बात का निर्धारण करना है। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित कर देता है।
परमेश्वर बलशाली वचन हमारे साथ परमेश्वर वचन की वाला सुनने वाले कविता परमेश्वर जो बातें हमें दी गई हैं उन सब बातों के ऊपर हम अमल करने वाले हो सकते हैं और कविता परमेश्वर उस वचन को थामते हो उसके ऊपर चलते हो पिता परमेश्वर उस प्रतिज्ञा वाले देश में सब प्रवेश करने वाले हो सकते हैं पिता परमेश्वर साथ ही साथ पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते हैं हमें अपने पासवानों को उसी से चिंता करना जिसकी चिंता हमने चिंता करना प्यार पिता परमेश्वर आप हम सबों को स्थिति से उसी पक्ष कि हम सब किस कार्य है के लिए अपने योगदान देने वाले प्यार पिता परमेश्वर केवल आप ही हैं जो कि लोगों के मनों को पिता परमेश्वर वादे तैयार करते हैं प्यार पिता परमेश्वर आप हम सबों को पिता परमेश्वर ऐसी आत्मा दीजिए कि हम सब पिता परमेश्वर अपने अंगों को कंधे से कंधे मिलाकर पिता परमेश्वर उनके साथ में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं क्योंकि यही है प्यार पिता परमेश्वर जो हमें उस मार्ग को दिखाते हैं उस वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं जिसको पिता परमेश्वर जिसके मार्ग को पिता परमेश्वर हम तुझे जान पाते हैं प्यार पिता परमेश्वर अभी तक आपने हमें संभाला है धन्यवाद देते हैं पास्टर जोश के लिए पिता परमेश्वर आपने बड़े हिम्मत दयाल और कसम के साथ में इस्तेमाल किया और पिता परमेश्वर सच्ची बातें जो रूढ़ वाली बातें वो पिता परमेश्वर ने बताए थे धन्यवाद 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 देते हैं उनके पिता परमेश्वर घर में जितने पिता परमेश्वर दौड़ पाए जाते हैं उन सबके साथ उनके विशेष तौर पर उनकी माता के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर आप अद्भुत अनोखा काम करने वाले परमेश्वर आपके लिए कोई पिता परमेश्वर काम असंभव आप असंभव संभव करने वाले परमेश्वर प्यार पिता परमेश्वर नई नई योजनाएं नई नई पिता परमेश्वर बातें उनके जीवन पिता परमेश्वर आप और उन्हें लिए प्यार पिता परमेश्वर उनके घर में आप बे परिवार आशीष उनको दीजिए और जब नई पिता परमेश्वर पासवान हमारे साथ में रहते हैं जो हमें पिता परमेश्वर नई नई बातें बताते हैं वचन के द्वारा पिता परमेश्वर और अधिक पिता परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं उन सबों को पिता परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर सब कुछ अपने चरणों में लाते हैं जानते हैं कि आज तक आपने हमें संभाला है हर प्रकार से आशीष किया है आगे पिता परमेश्वर आपको आशीष करेंगे आपकी अगुवाई और निरंतर पिता परमेश्वर मिलती रहे हर प्रकार के खौफ खतरे एक्सीडेंट मुसीबतों से आप हमें आने वाले समय में बचाएंगे हमें आत्मिक रीति से और भी पिता परमेश्वर उन्नतिशील बनाएगा सारा आदर मान सम्मान सब आपको देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और मान लेते हैं जिंदगी को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से One, two, three.